स्कैम 1992 फेम एक्टर प्रतीक गांधी ने ट्विटर पर हाल ही में अपने साथ हुई पुलिस बदसलूकी की कहानी शेयर की और साथ ही मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगे जाम को लेकर भी अपने परेशानी जाहिर की। प्रतीक के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनके साथ सहानुभूति भी जताई, लेकिन एक यूजर ने उनके ट्वीट पर जो रिप्लाई किया उसे देख प्रतीक भी हैरान रह गए। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स में सभी का स्वागत करता हूँ। उस ट्वीट में प्रतीक गांधी ने लिखा, क्योंकि मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर वीआईपी मूवमेंट चल रहा था और मैं अपने शूटिंग के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने अपने कार से उतर हाईवे पर पैदल चलना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने बिना किसी डिस्कशन के मुझे कंधे से पकड़कर ये वीआईपी मूवमेंट खत्म हो जाने तक के लिए लगभग एक रैंडम मार्बल वेयर हाउस में धकेल दिया। इस ट्वीट में उन्होंने आगे कहा कि मुंबई पुलिस की इस हरकत के बाद मुझे बहुत अपमानित महसूस हो रहा है। प्रतीक के पोस्ट के कुछ ही देर के अंदर लोगों ने उन्हें बताना शुरू किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आए हुए थे और इसी वजह से शायद पुलिस इतनी सख्त हो। ये पता चलते के साथ ही प्रतीक ने कमेंट में जवाब देते हुए कहा, उप्स, मुझे पता नहीं था। इसी बीच अगर बात करें प्रतीक की आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स की, तो कुछ ही समय पहले प्रतीक ने अपना नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया था जिसमें वो ज्योतिबा फुले के रोल में नजर आने वाले हैं और फिल्म में उनकी पत्नी यानी सावित्री बाई फुले का किरदार पत्रलेखा निभाने वाली है। इसके अलावा प्रतीक के पास विद्या बालन और इलियाना डिक्रूज के साथ एक प्रोजेक्ट है जिसका अभी तक टाइटल अनाउंस नहीं किया गया है और वो तापसी पन्नू के साथ वो लड़की है कहां में भी नजर आने वाले हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बॉलीवुड जगत की ऐसी ही खबरों के लिए इसको बिट्स को फॉलो करते रहें।